हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं लैट चैप्टर का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर डज नॉट अपीयर इन रेनबो। ओके, चार ऑप्शन है, येलो, ब्लैक, रेड और ग्रीन। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ब्लैक। नेक्स्ट, इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है? चार ऑप्शन है, वर्चुअल, रियल, स्मॉलर या लार्जर। तो प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, स्काई लुक्स ब्लू बिकॉज ऑफ, स्काई ब्लू दिखता है आपको वो किस रीजन से दिखता है? चार ऑप्शन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट, ग्लास इज ट्रांसपेरेंट बट इट्स पाउडर फॉर्म इज नॉट ट्रांसपेरेंट बिकॉज। चार ऑप्शन है, लाइट फॉलिंग ऑन पाउडर्ड ग्लास स्कैटर, सेकंड, लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक, थर्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास डिजैपियर्स फ्रॉम इट्स पाउडर्ड फॉर्म, फोर्थ, नन ऑफ एवर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लाइट फॉलिंग ऑन पाउडर्ड ग्लास स्कैटर्ड, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ए पर्सन इज सीइंग ए लार्जर इमेज इन द मिरर केप्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, द मिरर इज। एक पर्सन का लार्जर इमेज बन रहा है, एक्चुअल इमेज जितना है उससे बड़ा बन रहा है, तो वो कैसा मिरर होगा? चार ऑप्शन है, प्लेन, कनकेव, कन्वेक्स या एनी मिरर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कनकेव मिरर, है ना। नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस विल बी मैक्सिमम फॉर। चार ऑप्शन है, ब्लू लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट या रेड लाइट। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका रेड लाइट। नेक्स्ट, द रीजन फॉर शाइनिंग ऑफ द एयर बबल इन वाटर इज। चार ऑप्शन है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, डेविएशन बाय ए प्रिज्म इज लोवेस्ट फॉर। चार ऑप्शन है, वायलेट, ग्रीन, रेड या फिर येलो। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका रेड रे। नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कहाँ पे होता है? एट इन्फिनिटी, जीरो, नेगेटिव या नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एट इन्फिनिटी। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज। पावर ऑफ लेंस का क्या यूनिट होता है? चार ऑप्शन है, मीटर, सेंटीमीटर, डायोप्टर या नन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डायोप्टर। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ए स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग इन द स्काई बिकॉज ऑफ। चार ऑप्शन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर, यानी कि ऑप्शन सी। तो ये था आपके लिए फर्स्ट पार्ट लाइट चैप्टर का। इसी तरह मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ अस। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।